हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। तो बज रहे हैं सुबह के 8:30। ये भी जा ही रहे थे जिम, खुद देख लो। अभी इनका जो भी है प्रोटीन रोटीन सब पैक वुक करके जा ही रहे थे, अभी तक निकले नहीं है। सोचो मैं अभी साथ ही उठ गई हूँ। बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हो रही है। आओ कितने बजे यार, आओ कितने बजे? 12 बजे मैं वही हूँ। तो भाई जब उठ गया, चलो अपना काम वाम करते। बिजली आ नहीं रही, रात से लाइट नहीं आ रही है। बिजली वाले को वैसे मौका ही होता नहीं, बारिश आती तो भी वो बिजली काटता ही काटता, उसको मौका चाहिए ही चाहिए। तो बाहर चल के देखते हैं भाई मौसम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। बिखेर दी किचन सारी। तो भाई मौसम के विभाग के हिसाब से बारिश हुई है, वो बहुत अच्छी हुई है। सुबह सुबह उठ के आलस तो आता है लेकिन अच्छा भी लगता है। कहाँ रह गए? तो वही कल हमारी गाड़ी अच्छे से नहा धो ली है बारिश में, और अल्लाह भी नहा लिया था, अच्छा लगा है। बारिश अच्छी थी, गीला इधर भी हो रखा है और उधर भी हो रखा है। इनको सी ऑफ कर दिया। अल्लाह आ जा, अभी आ रहा हूँ। अब नहीं आएगी तो क्या नहीं करोगे काम? बिजली नहीं आएगी तो अब जिम जा ही क्यों रहे हो फिर? अरे वो प्रोफेशनल तो कर रहे हो, कोई बात नहीं, भगा भगा के तो मैं आपको पीट सकती हूँ। अब जाएंगे, 12 बजे आएंगे, ना कोई जाने का टाइम ना कोई आने। मैं सो रही थी, आप क्यों नहीं उठे? आपको नहीं, मैं सो रही थी तो आप क्यों नहीं उठे? आप क्यों नहीं उठे? मैं नहीं सो, मैं सो रही थी तो। अच्छा अभी भी नहीं आ रही? जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, जाना ठीक है। तो भाई मेरे पतिदेव आ तो चुके हैं, बट आज इनके साथ एक ना बुरी चीज हो गई। रो मत कोई बात नहीं। पूछो क्या? कि बिजली नहीं है रात से, तो अंडे की मशीन चली नहीं और गैस पे करना पड़ रहा है। गैस पे करने में जो वेट, और मुझे भी बोला नहीं कि तू करके रखियो, तो मजा आ रहा है? तुम्हें थोड़ी थोड़ी पता थी यार। बेटा आप मेरे ध्यान में रखोगे? मैंने भी ध्यान कौन रखता है? कौन रखता है बोल? ये फ्रूट्स काट के रखे हैं, ये लीची लूची अनार पपीता, ये अपने लिए काटे हैं? शर्म नहीं आती बोलने में? सर फैट कितना बढ़ गया यार, देंगे सूर्य देव को पानी। कितने अच्छे हो यार आप, इधर कहाँ जा रहे हो? गया दे तो दिया। कभी दिया? अच्छा किसी में दिया? दोनों दे दिया। हाँ। बड़े फास्ट हो यार तुम तो। चलो भाई अंदर चलते, पेड़ों पानी उन्होंने दे दिया, रात को बारिश से हो ही गया है वो काम, और तुलसी पानी उन्होंने दे दिया, सारा काम निपट गया। तो अब चलते हैं अंदर। क्या कर रहे थे अभी आप बताना जरा, सच बताओ, क्यों पूछा ऐसे? झूठा कर दिया इसलिए? झूठा नहीं खाओगे? अब मैं अभी वो मंगाती हूँ घेवर, देखते कैसे नहीं खाओगे। मंगा लो, चाट जाऊंगा। ये सही है, मुझे चाट दूंगा। इसे पीने को आफत हो रही, तो मौसम दोबारा पहले ऐसा हो रहा है, कल जैसा देख लो काला काला बादल, फिर बारिश आएगी और मज़ा आ जाएगा। आप आज भी नहाओगे क्या? हैं रोज नहाओगे? रोज अच्छा लग रहा है बादल से। तो भाई 12:30 बज रहे हैं इस टाइम पे और हम लोग बाहर बैठे हैं। कुछ आया उसमें? कुछ भी नहीं दिख रहा आपको? देखो जाके एक बार सब। अरे नहीं आया, इसमें तो आ गया, वो पहले से ही आ रहा था। तो भाई गर्मी की वजह से बैठने पर रात भर बारिश आई है, कल से मतलब कल रात से ना लाइट है ना कुछ कोई मतलब है, और ये भी नहीं लग रहा कि आई होगी। फिर बारिश है, मौसम देखो पूरा वैसा ही सा हो गया। ये सो रहा है कि हवा चल रही है, तो थोड़ा बाहर बैठा जा रहा हूँ ना, बैठा भी नहीं जा। हाँ मैं तगड़ा लग रहा हूँ, मजा आ गया।
ऐसी हवा भी चलती रहे ना तो भी बाहर बैठ जाए। डे बाय डे मैं कम हो गई हूँ। डे बाय डे बाइसेप्स बड़ा बड़ा इसका बाइसेप्स है क्या? तो किसके ज़्यादा है? मेरे मेरे बन रहे नहीं बन रहे देख रहे हाँ दे दे फिर मुंह जितना ना डोल लाएगा तो भाई बैठना पड़ेगा। तो लाइट नहीं होगी, एसी चल नहीं सकता, पंखा बंद होने वाला है, इन्वर्टर खत्म हो जाएगा, रात भर से चल रहा है और ऐसे ही बैठेंगे जब तक नहीं आएगी लाइट, वेट करेंगे। तो भाई बिजली भी 12:30 बजे आई है जब मैं अपनी सब्जी बना चुकी हूँ, बर्तन धो चुकी हूँ, गर्मी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। इनको बता दें, इनको बता दें कि नहीं बिजली आ गई है। अपने अंडे वंडे रख लो जो रखने हैं, मैंने सब्जी बना ली, बर्तन धो रही, मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, बस फ्रूट्स खा लो, उठने का कोई काम धाम कोई मतलब नहीं। उठ रहा हूँ, ये पढ़ू? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ भाई, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़। मेरे को लगता है आज के टाइम में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें इतना दिमाग, इतनी चलाकी, इतना दोगलापन सब होता है भाई, इस हिसाब से तो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है। देखते क्या लिखा है इसमें। तो ये भाई हमारा मेन डोर अब ये बंद हो चुका है। अब अम्मी आऊं कैसे आएगी? पेड़ यार ये बड़ी है ना। हाँ एक दो और प्लांट्स ले, पर ये यहाँ के अभी सेटिंग नहीं है भाई, अभी काम होना बाकी है, पर हमने सेटिंग की वजह से रखी है, बहुत काम है। जो इंटीरियर वाले वो भी आएंगे, पर ये आएगी। बिल्ली का झंझट खत्म हो गया, अब मैं अपना मंदिर बाहर रख सकती हूँ, अब दिक्कत नहीं होगी। तो लेके आओ शाम को, रख ले शाम को, सो जाते हैं थोड़ी देर यार, है ना, मैं थक गई यार बाहर खड़े खड़े उनको देखती रहती हूँ ना मैं, ये करो पता है। एक चीज अच्छी है मेरे ना, जब तो घर में कुछ काम हो रहा होता है ना यार, तो मुझे नींद नहीं आती, मैं ये देखती रहती हूँ ये काम हुआ कि नहीं, और हो ऐसा होना चाहिए। पास्ता खिलाना ही जाए, रास्ता देखो बेड का पास्ते। सोना नहीं? सोना मैं तो उठ के मैंगो शेक बनाऊंगी, आइसक्रीम वाला खाओगे? हैं 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 हेल्प करोगे? हेल्प करोगे? देखते। तो भाई मैं तो बना रही हूँ मैंगो शेक विद आइसक्रीम वाला, तो इनको मैंने बुलाया था बट ये आए नहीं है बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसा जाल लेना है। मैंने सारे मैंगो इसमें कर लिए हैं, सारे मैंगो इसमें मीन्स एक मैंगो, क्योंकि मैं एक ही मैंगो खा पाऊंगी मुझे पता है, सारे मैंगो करने को फायदा नहीं है, आप तो उसके साथ साथ। और भाई मुझे सारी चीज़ें मीठी ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी चीनी डालेंगे साथ में, दिस वॉज चीनी एंड दूध। पूरा दूध? यस पूरा दूध। अब इसको ग्राइंड करेंगे, एक दो तीन। इसमें डालेंगे अपनी मंगले दी कुल्फी, कुल्फी को जा, तो कुल्फी ऑलरेडी पिघली हुई है तो इजीली निकल जाएगी। इसमें डाली हमने 2 चम्मच कुल्फी, अब इसको भी वापस स्टोर कर देते हैं, ये अच्छे से होगी नहीं, इसको फ्रिज कर देते हैं। देन घुमाओ 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 घुमाओ, आप बगल हो जाओ, क्या कर रही हो? देख रहा था क्या? पीछे आ जाओ, हट जाओ सामने से। देन मेरा बनाना शेक इज सॉरी मैंगो शेक इज रेडी। इसमें आइसक्रीम है इसलिए इसमें येलो येलो नहीं दिखेगा भाई,
पहले बता देती हूँ, येलो येलो नहीं दिखेगा इसमें आइसक्रीम है। आइसक्रीम डाल दे। यम, खुशबू आ रही है आइसक्रीम के साथ, खाओगे? चल। आपने बोली थी मैं पीऊंगा। मैं शाम को पी लूंगी दोबारा। तो भाई ये अपना मैंगो शेक बन के रेडी है, अभी आधा पी के जाएंगे, आधा कल पियेंगे या रात को पियेंगे, क्योंकि ऐसी चीजों को आप स्टोर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छिलकों को हम गौशाला जाएंगे, गौशाला खिला के आ जाएंगे। चलो केन काट रहे हो आज, बेन की कर का मान ली, क्यों बनाया आज तना है? मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था। ओहो आइसक्रीम ऊपर तक भी डाल ली। आपको पंगा है क्या? पंगा नाल पै गया नहीं, ये क्या डाल दिया? ये ना इंडिया में आदत रहती थी, वो साइड देने कर रहा है ऐसे माज में खा जाऊंगा सारी। भाई अगेन उसी रास्ते से जाते हैं और भाई ये दिखाता रहूंगा। हाँ मैं कह रहा हूँ अब दिखाता रहूंगा, उसने बोला ना कर दूंगा जल्दी, अब उसने मैं दिखाऊंगा ये रास्ता कब तक बंद होए कब तक ना। चलो जी, और निशांत कह रहा काम करने ये बालक है, तो मैं ठीक है। गौशाला आ चुके हैं, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी बैल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, ये बड़ी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, इसको भी खिला दे। दूसरी ले भी भाई हाथ में, दे दूंगी मैं। वो तो कह रहे हम अपने आप ले लेंगे, आराम से पड़ती ना अभी, क्योंकि खोद दिए यहाँ सीवर है, पता नहीं देख पाइप में तो लीक हो रहा है पाइप। हाँ ये उनका आ रहा है, गौ का ही है शायद ये। हाँ तो सही, मिठाई महंगा मिठाई लाओ, दिखा बढ़िया महंगा मिठाई, बहुत जहर जहर होता है, चल खिलाओ मिठाई लाया सोने की नहीं चांदी वाली है, बजट अंदर कम निकालना पड़ेगा, ढूंढ के लो अरे तू सारा चांदी गाड़ी से निकाले, चल पहला इतना तो दे, वो ऐसे नहीं बोलते, ये एक मारक दे, ऐसे नहीं बोलते लड़की मंदिर में, और अगर कन्या से लक्ष्मी से, लक्ष्मी लक्ष्मी दुर्गा में। हां भाई देखो इतना सा दुर्गा इसके लिए, दुर्गा चंडी इसके लिए, वरना हमारी लक्ष्मी हमारी लक्ष्मी भाई इतना सा खा रहा हूं मेरे को दे दे एक मिनट। और देखो भाई साहब को देख लो कितना खा रहे हैं, बॉडी भी तो फिर तगड़ी है ना। हां अरे मुझे पता तभी ले भाई, महंगा मारे ना इमोशंस के साथ खेला जा रहा है भाई। खा ली यार इसने तो है यार, मतलब एक मैं होगी पैसा तो खर्च हुआ ही है, 7 लाख रुपए लगे वो लेने तो बढ़िया, दस साल चली ओड साढ़े 4 लाख में, अरे भाई क्या सफाई करने आना, तो 5.5 लाख में बिका हुआ 6.90 कर ली, अभी न्यू गाड़ी है सिर्फ 2.5 लाख रुपए में जा रही है, किसी को चाहिए तो बता देना इन पे कैश दे रहा हूँ इससे। इसमें कुछ ना ऐसा वो भी करा रखा जादू टोना सा, वो गाड़ी से गाड़ी से है ना खुशबू सा, लड़कियां बेहोश होती है तेरी बीवी देखती होगी ब्लॉग लड़कियां
कह रहा लड़कियां बेहोश हो जाती होंगी। तो कर रखा उसने, कर रखा है ना, अब तो पक्का देखेगी वो। अब तो तू गया बेटा। नहीं नहीं वो समय, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे कभी ये अच्छा अच्छी होगा मैं कॉल करूंगा। अरे यार मैं पेटीएम चला दे रही ना, तो मैं सोची थी ब्लैक में लाएगा तो और अच्छी लगेगी शायद। हम घर थोड़ी जा रहे थे यहीं से ही, तो बाहर तक आ गया। तो भाई ये सिल्वर की मिठाई भी लेकर आया, प्योर सिल्वर। अब कह रहा है इसके पैसे दो, किस तम से ही लेगा ये। सुना दिए, अब आ जाए इधर। राधे राधे। हाँ, भाई औरों को भी तो राधे राधे बोल दो। तो भाई इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, और शेक के साथ इस व्लॉग को सच में ही एंड करते हैं। और मैं पी के सोऊंगी पूरा। तो किस किस को मेरा शेक अच्छा लगा इसमें आइसक्रीम मिला के, हालांकि घरों में। और भाई आज ना उस जो छोरे की बेइज्जती बहुत भूंडी मार, उसने भी पता क्या, उसने शुरू तो उसने किया था। हाँ। कहता कि मिठाई खाओ और 200 रुपए दो, मैं किस बात के, कहता पेट्रोल डलवानी है। तो मैंने बोली देखो क्या कहते हैं, कह रहा है, कहते है? नहीं नहीं कहता इस पर सिल्वर की वो मिठाई चढ़वा के ला ना, इसलिए पेट्रोल के पैसे। मैंने कि तेरे को मांगते हुए शर्म नहीं आती? कहता नहीं तभी तो गाली चलेगी, ऐसे बोल रहा था। तो वो मजाक था, तो अगर वो मजाक कर रहा है तो मजाक करो, नहीं तो मैं बात ही ऐसे मजाक शुरू से नहीं किया था। और बाद में इसको कहता निशांत को, ले भाई, अरे तू तो रहेगी मिठाई का, इसे खाओ और 200 रुपए पेटीएम कर। तो फिर मैं वो कभी कहता, मैंने कि देख भाई मैं तो पेटीएम चलाती हूँ। कपिल कहता, वो कहता चिराग, चिराग को भी कहता, चिराग कहता मैं जा रहा हूँ घर, मैं तो कर लिया। तो भाई इस लोग को ये एंड करते हैं, और आपसे कल मिलते हैं। मॉर्निंग में बाय, गुड नाइट, राधे राधे।